नमस्कार सभी दोस्तों को, साथियों। चंडीगढ़ में आज हमारा तीसरा दिन है और मैं आज जाऊंगा सुखना लेक, सारी गान घुमा के लाऊंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू मनदीप देसवाल व्लॉग्स। तो जैसे प्यार आप हमें देते हैं, इन्हें भी दीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए। तो ये दोस्तों अपनी बिल्डिंग है और इसके सामने ये कैब आ गई हमारी। साथियों, कैब जो है उसकी सबसे अच्छी बात ये है, आपने कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भाई अगर प्रॉब्लम हो भी जा तो ये भाई संभालेंगे, अपना बैठो, पैसे दो। और पैसे भी कैब में कम लगे हैं, इतने ज़्यादा पैसे लगते नहीं, बहुत कम पैसे में कैब बुक हो जाए आजकल शहर में, तो काफ़ी आरामदायक है और जल्दी भी पहुँच जाए। हाँ, लो जी, हम पहुंच गए हैं सुखना लेक। और सुखना लेक अरमान भाई के घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। हमने कैब में 15 मिनट लगी, अभी हम उतरे हैं कैब से। अभी मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा सुखना लेक और उसके आसपास जो चीज़ें हैं उनका। यहाँ पे देखो आप लोग, ऊँट की सवारी है। ये सुखना लेक से पहले ऊँट की सवारी अगर आपने करनी है तो यहाँ पर आप कर सको। आज इतवार का दिन है दोस्तों, काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर अगर आपने रोड पर गाड़ी लगा दी तो ये चीज़ आपकी गाड़ी का स्वागत करेगी। गाड़ी ने उठा ले जाए हैं, अगर रोड पर आपने पार्क कर दी तो पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़े है। हवा भी आज काफ़ी तेज़ चल रही है, थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आओगी तो उस चीज़ ना आप थोड़ा इग्नोर करिए दोस्तों। सोनू जी, कैसा लगा चंडीगढ़? चंडीगढ़ बहुत बढ़िया लगा। एक सुखना जी के सामने खड़े हैं, पर पहला कुछ खावांगे, भूख लग रही है। भूख लग रही है? हाँ। के खाओगी? चाउमीन, डोसा, बर्गर, छोले भटूरे, ये चीज मिलेंगी। डोसा खाओगी? चलो भाई पहले कुछ खा लिया, हाँ उसके बाद आप लोगों ने दिखाऊंगा मैं सुखना लेक का नजारा। वैसे बिल्कुल सामने है ये सुखना लेक। अभी चलते हैं दोस्तों, कुछ खा पी लेते हैं। ये यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, काफ़ी सारी दुकानें हैं, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ हैं और इस लाइन में भी काफ़ी सारी दुकान है। आज काफ़ी भीड़ है और खाने के लिए वहाँ पर कूपन लेना पड़ा है, बहुत लंबी लाइन है। आप देख सको कितनी लंबी लाइन है। ये इस तरफ रेस्टोरेंट है जो, उनके लिए कूपन लेना पड़ा है, तो मैं तो भाई इस लंबी लाइन में लगूँगा नहीं। तो अब दोस्तों मजबूरी में ये चाट खानी पड़ेगी भाई यहाँ पे। सोनू, तेरा डोसा तो ना मिल रहा भाई, बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, दोनों में लंबी लाइन है। तो ये कुछ खा ले यहाँ पे चाट वगैरह। तो भाई यहाँ पर राज कचौड़ी है, पान पत्ता, सेव पूरी, भेल पूरी, राज कचौड़ी, टिक्की, चाट वगैरह। तो देखते हैं अभी कुछ यहाँ से लेते हैं। हमने लगवाई है आलू टिक्की, ये सोनू ने खा ली टिक्की। टिक्की अच्छी बना रखी है। हाँ। रेट थोड़ा महंगा है यहाँ पे, 70 रुपए की दी है, दो प्लेट हमने लगवाई है। तो ये है भाई, नाश्ता करके चले थे, अभी थोड़ा आराम मिल जाए पेट ने और शाम ने देखांगे अगर कुछ खाने का यहाँ पे मिल गया आसानी था, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लग रही है। ये तो हमने कैश में मिल गए। और खाने के लिए जैसे डोसा है या कुछ और कुछ खाना आपने चाट से अलावा, तो उसके लिए कूपन बनवाना पड़ा है। वो भीड़ आप लोगों ने देख ली होगी। तो अभी टिक्की खाने के बाद चलते हैं दोस्तों झील की तरफ। ये बच्चों के लिए एडवेंचर गेम है, झील के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है ये। ये नज़ारा है दोस्तों चंडीगढ़ सुखना लेक, काफ़ी बड़ी है। यहाँ से आप बोटिंग का मज़ा ले सको हो,
यहाँ पर ये बोटिंग का एरिया है दोस्तों, लेकिन बोटिंग की जो है उसके भी कार्ड लेने पड़े वहाँ से। देखो लाइन कितनी लंबी है। हमने तो बोटिंग का कैंसिल कर दिया। सोनू भी कह है कि बोटिंग नहीं करूँ। करेगी बोटिंग? ना बोटिंग ना, लंबी लाइन है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई आज सुखना लेक पे। हम तो दोस्तों भीड़ के कारण ना तो बोटिंग कर पाए आज। टिक्की खाई थी, डोसा वगैरह कुछ खा भी नहीं पाए। संडे का दिन जो है हमने गलत चूज कर लिया आज। संडे ने काफ़ी भीड़ हो इस पे, और दिन आते हैं काफ़ी छीड़ हो है यहाँ, इतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन ये पहले सोचनी थी, गलती हमारी है। क्यों सोनू? हाँ। इतवार के दिन नहीं आना था ना? नहीं। गलत फंस गए, बोटिंग हुई ना, डोसा तने खाया ना, भीड़ इतनी हो रही है। कोई बात नहीं, अगली बार ले आऊंगा ना, जब डोसा भी खिलाऊंगा और बोटिंग भी कराऊंगा, ठीक है ना? आज के लिए सॉरी, मैंने माफ कर दिए हैं। हाँ। माफी दी है मैंने, फिर कभी ले आऊंगा, स्पेशल बोट करूंगा तेरे लिए। ये सुखना लेक के बिल्कुल बाहर स्मार्ट बाइक हैं चंडीगढ़ में, जैसे कि एक वो खड़ी है और दो ये इस तरफ हैं। आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग कर सको हो और फिर ये चला सको हो। आयो आयो भेलपुड़ी वाले, दाल चने वाले आयो। आज का जो टूर है दोस्तों, उसमें भाई काफ़ी थक गए। हम बैठे हैं अभी एक पार्क में, रोड के किनारे वो पार्क सा है। ये इस तरफ झील है और इस तरफ रॉक गार्डन है, तो इतनी हिम्मत है नहीं कि हम रॉक गार्डन में घूम का सका, हिम्मत नहीं आज, क्योंकि सोनू भी काफ़ी थक गई। तो कैसा रहा आज का सफ़र भाई? अच्छा था सफर, लेकिन पैर दुखे हैं। पैर दुखे हैं? पैदल इतनी चाल ली? कई किलोमीटर। क्या किलोमीटर? 6-7 किलोमीटर पैदल चल ली है। घर चलना? चल रॉक गार्डन फिर कभी देखेंगे। आज का टूर वैसे मैं बताऊं सच अच्छा नहीं रहा। भीड़ काफी थी झील पे, कुछ भी फिल्मा नहीं पाए, बोटिंग नहीं कर पाए, कुछ खा पी नहीं पाए अच्छी तरह से। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, फिर कभी मैं यहाँ पाऊंगा तो आपने रॉक गार्डन जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों चंडीगढ़ में बिजली की बस शुरू होगी, ये सब चार्जिंग वाली बस हैं, अभी नई आई हैं। या देख लो किसे होटल पर गाड़ी रखवाई है। केक रखी आड़े तू मेरा दवाड़ा काट गई के इतने महंगे होटल में चाह पिया रहे 48 रुपये की चाह रहे। फिर क्या हो गया? भी हुई चलता भाई, हम भी पीछे नहीं हटाएंगे।